पूरी समाजवादी पार्टी ने निकाय चुनाव के अंतिम फेज के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। कानपुर में शिवपाल सिंह यादव ने पार्टी प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया और निकाय चुनाव में जीत का दावा भी किया। शिवपाल यादव हमारे साथ हैं। शिवपाल जी, आप लगातार कानपुर देहात के रूरा में रोड शो किया, कानपुर में रोड शो कर रहे हैं, डिंपल यादव रोड शो कर रही हैं। जो समाजवादी पार्टी है वो लगातार नगर निगम और निकाय चुनाव में अपना दबाव बनाए हुए है, विपक्ष में रहने के बावजूद भी क्या वो मजबूती से लड़ रही इन सारे चुनाव को? देखिए, समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में स्थानीय निकाय के चुनाव लड़ रही है और भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करने जा रही है। और हमारे सभी वर्कर लगे हुए हैं इस चुनाव में, हम लोग भी दौरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं इनके विभागों में तो उनके पास कोई काम है नहीं है, पूरा देखा ही है आपने, बजट वापस कर देते हैं और विभागों में चल नहीं रही, ट्रांसफर पोस्टिंग कुछ कर नहीं सकते, कार्रवाई कर नहीं सकते हैं, तो केवल अब जा रहे हैं जनता के बीच में और फिर क्या कहते हैं। मैंने अधिकारियों को निर्देश दे दिए हैं, अधिकारियों से कहते हैं कि भाई चुनाव जिताओ। तो भाई अधिकारी चुनाव जिता रहे हैं क्या इनको? तो देखिए, कोशिश तो है उनकी बेईमानी के, लेकिन हमारे समाजवादी पार्टी के जो भी वर्कर हैं वो जनता सीधे जनता चुनाव लड़ती है और जनता जब चुनाव लड़ती है ना तब किसी की फिर बेईमानों की हैसियत नहीं होती है ना। आप इशारा मैनपुरी से कर रहे हैं? मैनपुरी से भी कर रहे हैं। अब यहाँ स्थानीय निकाय में देख लेना। अच्छा, कानपुर में माना जा रहा है कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है मेयर का। हाँ, वो हमारी पार्टी का विधायक है, हम लोगों का तो बेटा समान है और बहुत चुनाव लड़ रही है वहाँ पर भी, जैसा मैनपुरी में बहू लड़ी थी है। आपने भी कुछ ऐसी बातें कही थी नेताजी के न रहने के बाद हैं, लेकिन मैनपुरी की जनता ने पूरे रिकॉर्ड से जीत करा दी। इतना ना आपने सोचा था, इतना तो खैर हमने भी नहीं सोचा था, लेकिन हम जानते थे जीतेंगे। क्या कहा था हमने? कुछ कहा था मुझे याद नहीं है अब, चलिए आज समय नहीं है, समय फिर बैठेंगे तब बातें करेंगे। लेकिन जो आप कह रहे हैं कि बहू चुनाव लड़ रही है यहाँ पर, तो बहू के लिए जब ससुर उतरते हैं तो कुछ इतिहास ही रचते हैं। जीत होगी, बड़ी जीत होगी और बीजेपी हारेगी। ये जो आपका कॉन्फिडेंस है ये कहाँ से आ रहा है? जनता के बीच में रहते हैं, जनता से आता है, इन भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। देखिए, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे, कितना काम किया है एक्सप्रेस वे से लेकर के, सड़कों से लेकर के, रिवर फ्रंट से लेकर के, कितना काम किया है, नहरों में कितना काम किया था, कितने बुंदेलखंड में आज पानी की कमी नहीं है, कितने ट्यूबवेल किसानों के लिए, किसानों को कोई दिक्कत भी नहीं होने दी थी। और भारतीय जनता पार्टी में आप ही बता दो, इन 6 सालों में एक काम बता दो इनका, नया काम भारतीय जनता पार्टी का, एक काम बता दो, तो जनता ही बताए। देखिए, केवल परेशानियां दी हैं, भ्रष्टाचार कितना है, थानों में चले जाओ, तहसीलों में चले जाओ, नीचे से लेकर के ऊपर शिकायत करते करते परेशान हो जाओगे। हम लोगों की सरकार थी तो हमारा पूछ लेना, हमारा जिला अध्यक्ष, हमारा विधानसभा अध्यक्ष, अध्यक्ष ही बहुत था, इनके तो मंत्री कुछ नहीं कर पा रहे इनके, तो चल ही नहीं रही। इसका असर निकाय चुनाव में भी, पूरी जनता परेशानी है। देखिए, इन्होंने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया, महंगाई को बढ़ावा दिया, बेरोजगारी को बढ़ावा दिया है और लॉ एंड ऑर्डर नाम की तो कोई चीज़ बची नहीं। जब पुलिस संरक्षण में मारे जा रहे हैं लोग तो कैसे बता। शिवपाल यादव रोड शो करते हुए कानपुर में और काफी आत्मविश्वास के साथ उनका कहना है कि समाजवादी पार्टी कानपुर में ही नहीं बल्कि निकाय चुनाव में बेहतर प्रदर्शन करेगी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।